गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप एवरी वन इज़ फिट एंड फाइन. सो स्टूडेंट्स, माई नेम इज़ रेखा शर्मा एंड आई एम योर होम साइंस टीचर. सो वट वी आर गोइंग टू लर्न टूडे, सो स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 7, दैट इज अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. यानी इस चैप्टर में हम बच्चे जब पैदा होते हैं, यानी जब इन्फेंट होते हैं, शिशु होते हैं, तो उनकी हम कैसे केयर करें और कैसे हम उनकी एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम उनको एजुकेट कर सकते हैं. सो चिल्ड्रन, दिस चैप्टर इज इंक्लूडिंग इन यूनिट नंबर 3, दैट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज. यानी जो ह्यूमन है, जो इंसान है, उसका विकास कैसे होगा, और इसके साथ साथ जो फैमिलीज यानी परिवार के बारे में जो चीज़ें हमें बताएंगे, वो ये जो सारी यूनिट है इसमें हम इसी तरह के टॉपिक पढ़ेंगे, जो ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड हो या फैमिली स्टडीज से. ओके स्टूडेंट्स, लो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 7, दैट इज अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. चाइल्डहुड केयर, जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है कि हमें कैसे हम शुरुआत में जब बच्चे पैदा होते हैं उनकी केयर कैसे करें और कैसे हम उन्हें शिक्षा दें, कैसे हम उनकी शुरुआती शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं. सो दिस द टॉपिक वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. सो लेट्स क्विक टेक अ लर्निंग ऑब्जेक्टिव. सो फर्स्ट, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेक्शन द लर्नर विल बी एबल टू, यानी ये जो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इन दिस चैप्टर वी विल अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर. यानी शुरुआती जो शिशुकाल होता है उसके जो सिद्धांत, किस चीज़, कौन से सिद्धांतों पे वो डिपेंड करता है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे. इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंस ऑफ अर्ली केयर, यानी जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी जो हम केयर करते हैं, वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, तो इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है वो पढ़ेंगे. साथ साथ जो बच्चे को लर्निंग एक्सपीरियंस होता है जो बच्चे का, वो चीज़ें, और उसके साथ साथ हाउ चिल्ड्रन प्ले एंड लर्न, बच्चे कैसे खेलते हैं, सीखते हैं. खेल खेल में आपको पता है कि छोटे बच्चे जो हैं वो मोस्टली चीज़ें खेल खेल में सीखते हैं, तो ये चीज़ हम इसमें सीखेंगे. साथ में एक्सप्लेन द नॉलेज एंड स्किल्स रिक्वायर्ड टू अ करियर इन ECCE, यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. तो क्या नॉलेज होनी चाहिए, क्या स्किल्स होने चाहिए जब हम इस करियर को आगे परस्यू करना चाहते हैं. लेट्स टेक सिग्निफिकेंस, बच्चों इस चीज़ का महत्व क्या है. तो अर्ली चाइल्डहुड केयर जो है वो बहुत, एक तरह से बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ स्टडीज़ है. किस चीज़ का है? ह्यूमन डेवलपमेंट का. यानी आदमी का जो विकास होता है उसके अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है अर्ली चाइल्डहुड केयर के बारे में. और जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा है कि जो इन्फेंट होता है वो एक शुरुआती अर्ली स्टेज होती है, और उसमें जैसे ही बच्चा पैदा होता है, बच्चों उसको बहुत सारी चीज़ें इस संसार में देखनी होती है, इन संसार से सीखनी होती है, इस वर्ल्ड से बहुत सारी चीज़ें उसको सीखनी है. तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि धीरे धीरे बच्चे में सबसे पहले क्या आता है, अटैचमेंट होता है अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, पर्टिकुलरली अपनी मदर फादर के साथ, धीरे धीरे सिबलिंग्स, ग्रैंड पेरेंट्स, यानी सबसे पहले उसकी जो फीलिंग्स है वो शुरू होती है. और उसके बाद धीरे धीरे बच्चा सबको रिकॉग्नाइज भी करना शुरू कर देता है कि कितने उसके फैमिली मेम्बर्स हैं या वो किनसे रेगुलरली मिलता है, वो उसकी पहचान करने लगता है. और धीरे धीरे वो लोगों में डिस्टिंग्विश भी करना शुरू कर देता है, लोगों में अंतर भी बताना शुरू कर देता है, जो उसके फैमिलियर हैं यानी जिनको वो जानता है, और जो उसके अनफैमिलियर है यानी वो जिनको नहीं जानता. और बच्चों ये जो वो अंतर पहचानना शुरू करता है, डिफरेंस देखना शुरू करता है, ये किस एज में होता है? ये होता है 8 से 12 महीने के. यानी बच्चा जब 8 महीने से 12 महीने के बीच में होगा तब वो धीरे धीरे लोगों को पहचानने लगेगा, उसको और लोगों से जो अननोन पीपल है उनसे डर भी लगने लगेगा. तो यहाँ पे दिस फियर इज नॉट सिंपली एन इमोशनल डिस्प्ले. यानी बच्चों ये जो उसका डर है ये कोई उसका इमोशंस के बारे में नहीं है, वो ये जो डर है वो उसकी कैपेसिटी, उसकी क्षमता को शो करता है कि कैसे वो फैमिलियर फेसेस को, यानी जो उससे रेगुलर मिलते हैं, जो उसके अपने हैं, उनको पहचान पाता है,
और कैसे अनफेमिलियर को, यानी जो जिनसे उनकी जान पहचान नहीं है उनको वो कैसे पहचानता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। शुरू शुरू में बच्चा अटैचमेंट भी होता है, उसकी फीलिंग्स भी जुड़ती हैं, धीरे धीरे वो सबके एहसास, सबकी फीलिंग्स, सबके टच को भी समझने लगता है, फेसेस को भी समझने लगता है, और धीरे धीरे जो उसके घर वाले हैं या फिर जो अननोन हैं उनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको भी समझने लगता है। लेकिन इन सभी चीज़ें में धीरे धीरे थोड़ा उसको टाइम लगता है। नेक्स्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी जो मूल आंकनाएं हैं वो क्या है। तो सबसे पहले बच्चों अर्ली चाइल्डहुड केयर जो है उसके बारे में हमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। सबसे पहले जो अर्ली चाइल्डहुड फेज है वो कब होता है, ये जन्म से लेके 8 ईयर्स ऑफ एज यानी जन्म से 8 साल की जो उम्र है उसके बीच में होता है ये, और एंड इज कॉमनली डिवाइडेड इंटू फ्रॉम बर्थ टू 3 ईयर एंड 3 to 8, यानी ये जो प्रोसीजर है या ये जो फेज है इसको 2 पार्ट्स में बांटा हुआ है। पहला बर्थ टू 3 ईयर यानी जन्म से लेके 3 साल तक, और उसके बाद जो दूसरा फेज है वो 3 to 8 ईयर्स के बाद। जो बच्चा जन्म से पैदा होता है तब उसको इन्फेंट बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इन्फेंसी क्या होती है। तो इन्फेंसी एक पीरियड है बच्चों जो जन्म से लेके 1 साल तक, बच्चा या कई बार 2 साल तक, तो उसको डिनोट करते हैं, उसको पहचानते हैं नवजात शिशु को जब बच्चा जन्म से लेके 2 साल या 1 साल के बीच में हो, तो उस पीरियड को इन्फेंसी कहते हैं। दिस पीरियड इज ऑफ इंटेंस इंडिपेंडेंस ऑन एडल्ट। बच्चों सबको पता है कि ये जो पीरियड है यानी जब बच्चा पैदा होता है तो वो अपनी मदर फादर या औरों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड, पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है अपने एडल्ट्स के ऊपर। धीरे धीरे अगर उसकी मदर जो है वो जॉब करती हो तो कोई ना कोई होता है घर में जो उसकी केयर करता है जिनके ऊपर, या फिर कई बार क्या होता है कि लोग जो है वो हायर पर्सन यानी किसी को जॉब के लिए रख भी लेते हैं जो उनके बच्चे की ध्यान करता है। ओके बच्चों, इस क्रिचे इज द नेम गिवन टू एन इंस्टीट्यूशन सिटिंग दैट इन पर्टिकुलर डिजाइन फॉर द केयर ऑफ इन्फेंट। एक यहाँ पे एक नाम, एक जिक्र किया गया है एक इंस्टीट्यूशन का है जो किसी बच्चों की जो स्पेशल केयर करनी होती है इन्फेंट्स की, जब उनके घर वाले जो हैं वो घर पे नहीं हैं या अवेलेबल नहीं है, तो जो उनकी केयर करते हैं उनके इंस्टीट्यूशन का नाम है क्रिचे। देखा जाए तो एक तरह से इनको क्रच भी बोला जाता है। डे केयर एंड क्रचेस आर यूजुअली ऑल डे प्रोग्राम। बच्चों हम सब ने सुना है डे केयर के बारे में और क्रचेस के बारे में। तो डे केयर या क्रच जो होते हैं वो बच्चों की, छोटे बच्चों की हेल्प करते हैं, छोटे बच्चों की केयर करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ देयर पेरेंट्स। उनको फीडिंग, उनका पूरी सेफ्टी, उनके टॉयलेट सर्विस, उनकी जो लैंग्वेज की डेवलपमेंट है वो, और उसके उनके इमोशनल नीड्स यानी उनकी जो भावनात्मक आवश्यकताएं हैं वो, और धीरे धीरे उनको चीज़ें सिखाने में, ये सारी चीज़ें जो है ये डे केयर जो दिन में बच्चों की केयर करते हैं या जो क्रचेज होते हैं जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे वर्कर्स रखे हैं जो छोटे बच्चों का ध्यान रखते हैं। अ प्री स्कूल चाइल्ड इज ऑल्सो कॉल्ड बिकॉज ही और शी इज नाउ रेडी टू एक्सपीरियंस सम सॉर्ट ऑफ एनवायरमेंट। प्री स्कूल चाइल्ड किसको कहते हैं, जब बच्चा 3 साल का हो जाए और वो बाहर की दुनिया के लिए तैयार हो जाए यानी एक नए एनवायरनमेंट के लिए, बिकॉज बच्चों जो स्कूल जो है वो बहुत अच्छा एक अलग एनवायरनमेंट, घर से बिल्कुल डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे लोग बहुत सारे बच्चे होते हैं, बच्चों के साथ बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीखता है, पेंसिल को पकड़ना, कैसे खाना खाना, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे सिखाई जाती हैं। तो इन बच्चों को बोलते हैं प्री, और जो प्री स्कूल चाइल्ड जो है वो या तो प्री स्कूल या नर्सरी स्कूल टीचर जिस स्कूल में जाते हैं, छोटे जो प्ले स्कूल होते हैं वहाँ भी जो टीचर्स होती हैं वो उन टीचर्स भी काफ़ी ट्रेंड होती हैं, और उनको भी नर्सरी स्कूल ट्रेनर भी कहा जाता है या नर्सरी स्कूल टीचर भी कहा जाता है। तो वहाँ पे जो टीचर्स होती हैं जैसे एनटीटी हो गई, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग हो गई, तो ये सारी चीज़ें उनको की हुई होनी चाहिए। नेक्स्ट, एज पर द NCF 2005, अब यहाँ पे हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स की, यानी क्या क्या मूल सिद्धांत हैं जिनके ऊपर ECC यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन जो है
वो बेस्ड है. सबसे पहले प्ले एज द बेसिस ऑफ लर्निंग, यानी इस तरीके से खेल खिलाने चाहिए जिसमें बच्चे नई चीज़ सीख रहे हैं. आर्ट एज द बेसिस ऑफ एजुकेशन, यानी कला जो है वो भी सिखानी चाहिए एजुकेशन के आधार पे. रिकॉग्नाइजेशन ऑन द स्पेशल फीचर ऑफ चिल्ड्रन थिंकिंग, यानी बच्चों की जो चिल्ड्रन की सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है, तो उसकी जो स्पेशल फीचर है यानी उसके अंदर जो अलग चीज़ हमें देखने को मिल रही है तो उसका भी हमें पहचाननी चाहिए. प्राइमेसी ऑफ एक्सपीरियंस रेदर देन एक्सपर्टाइज, यानी चीज़ों को जो है वो एक तरह से एक्सपीरियंस, जैसे खेल हम जैसे ब्लॉक्स हो गए, तो ब्लॉक्स से क्या करते हैं बच्चे बिल्डिंग बनाते हैं, तो उनको ज्वाइन करते हैं और बिल्डिंग बनाते हैं, अलग अलग शेप्स बनाते हैं. तो इस तरीके से ऐसी कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए, मतलब हर चीज़ जो हर लर्निंग है वो एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए जिससे बच्चे जो हैं वो खुद एक्सपीरियंस करके सीख सकें. एक्सपीरियंस ऑफ फैमिलैरिटी एंड चैलेंजेस इन एवरीडे रूटीन, ये चीज़ मैंने अभी बताया कि हर डे जो बच्चों के अंदर मोटर स्किल्स होते हैं उनको डेवलप करने के लिए उनको डेली रूटीन पे चैलेंजेस देनी चाहिए. फिक्स ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंट्रैक्शन, यानी इंट्रैक्शन होता है बोलचाल, आपस में मिलना बुलना, तो वो दोनों होना चाहिए, फॉर्मल भी और इनफॉर्मल भी. यूज़ ऑफ लोकल मटेरियल आर्ट्स एंड नॉलेज, यानी ऐसी चीज़ों का यूज़ करनी चाहिए जो उनकी आर्ट्स को यानी उनके अंदर कला है उसको भी और साथ में नॉलेज को भी बढ़ाए, साथ साथ उनके अंदर हेल्थ वेलबींग एंड हेल्दी हैबिट्स भी डेवलप करनी चाहिए. तो ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं बच्चे जो जिन पे आधारित है, यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन. तो ये प्रिंसिपल्स बहुत ज़रूरी हैं इसके लिए. नेक्स्ट, प्रिपेयरिंग फॉर अ करियर. अगर कोई भी इस जॉब में के लिए आगे करियर परस्यू करना चाहता है तो उसके लिए क्या होना चाहिए. इट हैज़ बी मेंशन अर्लियर, ये चीज़ पहले भी बताई हुई है कि जो बचपन या बच्चा जो है वो 6 साल तक क्या करता है कि संसार को समझने में या सोशल रिलेशनशिप यानी जो सामाजिक रिश्ते होते हैं उनको डेवलप करने की उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और वो ये चीज़ें धीरे धीरे समझता है. और जो एडल्ट होता है वो क्या करता है कि एडल्ट बच्चों को हर काम में इन्वॉल्व करता है धीरे धीरे ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके और साथ में केयरफुली भी रहता है और साथ में इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है कि बच्चे जो हैं वो सीखें लेकिन सीखने के साथ यानी एक्टिविटी बेस्ड जो उनका काम करवाया जा रहा है उसमें उनका सीखना भी हो रहा है और साथ में उनको नई चीज़ें भी आ रही हैं और वो खुद उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें करवाने के लिए एक वेल ट्रेन की ज़रूरत होती है, वेल ट्रेनर की ज़रूरत होती है जो वेल ट्रेंड हो इस फील्ड के लिए यानी अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट और केयर के लिए, बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो, उसको सारी टेक्निक्स पता हो कैसे बच्चों की ध्यान करना है, कैसे उनको नई एक्टिविटी समझानी है और उनके माइंड के हिसाब से भी उसको चीज़ें डिज़ाइन करनी होती हैं. देर आर सेवरल रीजंस वाई इवन पेरेंट्स वुड ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम नोइंग. और ऐसा है कि जो पेरेंट्स हैं वो भी उन लोगों से सीखना चाहते हैं कि वो कुछ बेटर चीज़ें कैसे कर सकते हैं बच्चों को इम्प्रूव करने के लिए. और पेरेंट्स वुड ऑल्सो बेनिफिट वेरी मच फ्रॉम नोइंग मोर अबाउट एक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस बिटवीन चिल्ड्रन ऑन द सेम एज और ऑल्सो इंडिविजुअल डिफरेंस. बच्चों जो पेरेंट्स हैं वो भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि हर बच्चा जो होता है उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, हर बच्चे की थिंकिंग अलग होती है. आपके घर में अगर आप लोग 4 हो 3 हो या 2 हो तो सबकी थिंकिंग जो अलग होगी, सबके अंदर कुछ यूनिक फीचर होता है. तो हम कई बार क्या होता है कि छोटे बच्चे होते हैं वो 1 साल में चलने लग जाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि 1.5 साल में चलना शुरू करते हैं, कई बार बच्चे जो हैं वो जल्दी बोलना शुरू करते हैं और कई काफ़ी बड़े हो जाते हैं तब तक वो तुतलाते रहते हैं. तो ये चीज़ें जो हैं ये भी एज टू एज वरी करती है और चाइल्ड टू चाइल्ड भी वरी करती है. ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे के 6 महीने में ही दांत आने शुरू हो जाएं और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा 1 साल में चलना लग जाए. यानी हर बच्चे के अलग अलग गुण होते हैं और वो उनके अंदर जो ये जो फीचर्स आते हैं चलना ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी अलग अलग डिपेंड करती है, चाइल्ड टू चाइल्ड डिपेंड करती है. नेक्स्ट पढ़ते हैं कुछ स्किल्स जरूरी हैं जो इस चीज़ में प्रोफेशनल बनना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या होना ज़रूरी है. एन इंटरेस्ट इन चिल्ड्रन एंड देयर डेवलपमेंट, बच्चों के अंदर बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए और उनके विकास के अंदर भी,
कि कैसे हम उनका डेवलपमेंट कर सकते हैं। नॉलेज अबाउट द नीड्स, यानी बच्चे के क्या नीड्स हैं, क्या आवश्यकताएं हैं और क्या क्षमताएं हैं अब जो यंग चिल्ड्रंस हैं उनकी। कैपेसिटी एंड मोटिवेशन फॉर इंटरेक्टिंग विद चिल्ड्रन, बच्चों से ज़्यादा बातें करके उनको मोटिवेशन करके उनकी क्षमताओं के हिसाब से उनसे काम करवाना, उनसे चीज़ें सिखाना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्किल्स फॉर क्रिएटिव एंड इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़, यानी हर समय कुछ क्रिएटिव और कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ देखनी जो बच्चे की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हो। एंथुसियाज्म, यानी बहुत ज़्यादा उसके अंदर उत्साह होना चाहिए, बहुत ज़्यादा जोश होना चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी होना चाहिए। और साथ में ऐसी एक्टिविटीज़ जैसे स्टोरी टेलिंग होगी, तो बच्चों हम सबको पता है कि छोटे बच्चों को जब स्टोरी सुनाते हैं तो साथ में हमें कुछ एक्शंस भी करने होते हैं जिनसे उनको चीज़ें जल्दी समझ आती हैं और साथ साथ वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होके मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से सुनते भी हैं। चीज़ों को एक्सप्लोर करके बताना है, साथ में नेचर एंड सोशल इंटरेक्शन। अगर फॉर एग्जाम्पल हम उनको कहानी सुना रहे हैं तो किसी गार्डन वगैरह में ले जाएं, कोई ट्री के नीचे, यानी इस तरीके से चीज़ें बतानी है कि वो हर चीज़ को समझ सकें और अच्छे से मतलब इंटरेस्टिंग वे में समझ सकें। विलिंगनेस एंड इंटरेस्ट इन आंसरिंग चिल्ड्रंस क्यूरीज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वो है बच्चों। छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, जो अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो उन क्वेश्चंस के जवाब देना और इंटरेस्टिंग वे में जवाब देना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि इतने सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कि बच्चे जो पेरेंट्स हो या उनके टीचर्स हों वो कई बार बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनको गुस्सा भी आने लग जाता है कि इतने क्वेश्चन क्यों पूछते हो। तो ये नहीं होना चाहिए, इतनी विलिंगनेस होनी चाहिए और इतना इंटरेस्ट होना चाहिए बच्चों के कि क्वेश्चंस पे बहुत अच्छे से जवाब दें और उनसे उनको मोटिवेट करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमसे पूछ सके। कैपेसिटी फॉर अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंस, इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया था कि हर एक बच्चे में अलग फीचर्स होते हैं। कोई बच्चा जो होता है वो एक साल में चलने लगता है, कोई बच्चा जो होता है वो 12 महीने बाद थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर देता है, और कोई बच्चा नहीं बोल पाता जल्दी, कोई बच्चा जल्दी नई चीज़ें कैच करता, और कई जो है माइंड एक्टिव होता है तो जल्दी चीज़ें कैच कर लेते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंस जो है उसको समझ सके, बच्चों की कैपेसिटी के हिसाब से उसको काम दे सके, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्कोप, यानी क्या स्कोप है, क्या क्षेत्र है। तो बच्चों जो चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन का जो स्कोप है या जो क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा है। अ पर्सन हु इज ट्रेंड एज एन एजुकेटर और केयर गिविंग फॉर यंग चिल्ड्रन कैन, जो कोई भी पर्सन है, कोई भी पर्सन है उसको ट्रेन किया गया है एज ए एजुकेटर, यानी उसको ये चीज़ें छोटे बच्चों का कैसे ध्यान रखना है, कैसे उनकी प्रॉपर केयर करनी है। वो कहाँ कहाँ जॉब कर सकता है, एज अ स्कूल टीचर, नर्सरी स्कूल में जॉब कर सकता है, केयर गिविंग बन सकता है क्रच में, साथ साथ मेंबर ऑफ अ टीम ऑफ पीपल वर्किंग फॉर प्रोग्राम। अगर वो किसी भी एक टीम का मेंबर बन सकता है जो यंग चिल्ड्रन के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स डिज़ाइन करते हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स प्लान करते हैं। वो कुछ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो ऐसे प्रोफेशनल को हायर करती है जो उनकी प्लानिंग कर सके या कैंपेन वगैरह लगा सके छोटे जो यंग चिल्ड्रंस हैं उनके लिए। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ पे आप जैसे क्रच हो गया, डे केयर सेंटर हो गया, नर्सरी स्कूल हो गया, एनजीओ हो गया, ICDS या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जहाँ पे आप अपने ये जो स्किल्स हैं, अपने जो टैलेंट्स हैं वो दिखा सकते हो और इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हो। यहाँ पे ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, यहाँ पे हमारे ये करियर का बताया हुआ है कि आप कहाँ कहाँ करियर अपना कर सकते हो। तो टीचर इन नर्सरी स्कूल, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, केयर गिविंग इन डे केयर सेंटर्स, वहाँ पे भी डे केयर सेंटर्स जो है या क्रच है वहाँ पे भी आप जॉब कर सकते हो। उसके साथ साथ प्रोफेशनल टू प्लान एंड प्रमोट, यानी जो कैंपेन्स होते हैं या जो कुछ सर्विसेज दी जाती है छोटे बच्चों के लिए गवर्नमेंट के थ्रू या एनजीओ होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो उनके थ्रू वहाँ पे भी आप एज अ प्रोफेशनल जॉब कर सकते हो। साथ ही एंटरप्रेन्योर इन चाइल्ड रिलेटेड एक्टिविटीज़, जैसे कैंप लगना, पिकनिक एजुकेशन या एक्टिविटी क्लब या प्री स्कूल एजुकेशन सेंटर, वहाँ पे भी आप अपना करियर परस्यू कर सकते हो। उसके अलावा हायर स्टडीज़ कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा भी कर सकते हो अर्ली चाइल्डहुड केयर में। तो यहाँ पे बहुत सारा स्कोप है हमारा, जहाँ पे हम ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में अपने
अपना जो करियर है वो बना सकते हैं और बहुत अच्छा एक्सप्लोर, बहुत अच्छा हमें फील्ड मिलेगा खुद को एक्सप्लोर करने का और बहुत सारी चीज़ें सीखने का। आई होप बच्चों ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके बच्चों।